तो अभी आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ और मैं और पहाड़ी कहां पर आए हैं। मुझे और पहाड़ी को बुलाया गया था मीट एंड ग्रीट के लिए आप सभी के शहर बेंगलोर में। तो ये सब पॉसिबल हो पाया TEC यानी द ईस्पोर्ट क्लब की वजह से, जिन्होंने मुझे और पहाड़ी को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमारे जो बेंगलोर में चाहने वाले हैं उनसे हम मिल सके। मैं और पहाड़ी बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, फिर हमने करी एक कैब। अब पहाड़ी को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो हमने डिसाइड किया क्यों ना कहीं रुक कर कुछ खा लिया जाए। अब बेंगलोर आए हैं और डोसा ना खाए तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाती, तो मैंने और पहाड़ी ने सोचा क्यों ना आज डोसा ही खाया जाए। अब मैंने और पहाड़ी ने भरपेट खाना खा लिया था, अब हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर। तो मैं बेंगलोर आकर इतना प्रभावित हुआ, मतलब कि इतनी हरियाली है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बेंगलोर इतना खूबसूरत होगा। अब ये सब देखने के बाद मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था आप सबसे मिलने के लिए। तो देखते ही देखते हम पहुंच गए अपनी मंजिल तक, जो था कोर्टयार्ड बाय मैरियट। तो जितना खूबसूरत ये शहर है उतना ही खूबसूरत ये होटल भी है, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है वो है ये स्विमिंग पूल। यहाँ से जो व्यू आता है ना वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, जब आप यहाँ पर आओगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या व्यू आता है। तो अब हम बढ़े सीधा अपने रूम की तरफ और मैं जाते ही सो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। अब शाम हो चुकी थी, मैं और पहाड़ी उठे और हमने डिसाइड किया कि हम मॉल जाते हैं और वहां से कुछ कपड़े खरीद के लाते हैं। वो क्यों ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हम होटल से निकल के कैब की तरफ जा ही रहे थे तभी हमें बीच में हमारी ओरेंगोटन की वैलोरेंट टीम मिलती है। ओहो, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि हमारी जो ओरेंगोटन की वैलो टीम है वो यहाँ पर लैन इवेंट खेलने आई हुई है। तो जैसे ही अंबर और घोष को ये पता चला कि हम मॉल जा रहे हैं तो वो दोनों भी हमारे साथ चल पड़े। तो अब हम मॉल पहुंच चुके थे लेकिन मॉल में शूट करना अलाउड नहीं था तो हमने कुछ ज्यादा शूट नहीं किया, लेकिन मैं क्या लेके आया हूं वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो गाइस, ये जो शर्ट है ये मैंने ली है जारा से, और इसे देखते ही पहली नजर में जो मुझे मोहब्बत हुई है ना उसको मैं क्या ही बयां करूं। अपनी इन कातिलाना अदाओं को कैमरे में कैद करने के बाद मैं और पहाड़ी निकल गए पार्टी की तरफ। पार्टी में एंटर करते ही सबसे पहले मुझे मिला अडुका, ये हमारी वैलोरेंट टीम का बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके बाद हमें मिले हेडिस भाई। अब जितने लोग इन्हें नहीं जानते हैं, ऐसा कोई नहीं भी जानोगे तो चलेगा, लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता होगा कि हेडिस भाई मेरे दिल के कितने करीब हैं। तो मैं पार्टी के इस माहौल को एंजॉय कर ही रहा था इतने में मुझे मिलते हैं मांबा भाई। अगर आपको नहीं पता तो मांबा भाई ईस्पोर्ट की दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कास्टर में से एक हैं। मैं भी एक ईस्पोर्ट प्लेयर रह चुका हूं और मेरे बहुत सारे टूर्नामेंट्स को मांबा भाई ने कास्ट किया है। तो मैं मांबा भाई से पहली बार मिला और मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं। तो देखते ही देखते पार्टी में और भी लोग जुड़ते गए और पार्टी का मजा और भी ज्यादा हो गया।
गाइस पार्टी करते करते बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, तो मैंने कुछ ज्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं उन पलों को जीना चाहता था। तो थोड़े टाइम बाद मैं और पहाड़ी सोने चले गए क्योंकि सुबह हमें जाना था हमारी वैलोरेंट टीम को सपोर्ट करने उनके लैन इवेंट पे। हम बैंगलोर में 3 दिन के लिए थे जिसमें हमने अपनी टीम के मैचेस देखे, उनको सपोर्ट किया, आप सभी से मीट एंड ग्रीट किया और भी बहुत सारा फन किया जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, 3 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया है। और मैं एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ TEC को, यानी द ईस्पोर्ट क्लब को, जिनकी वजह से ये इवेंट में मुझे आने का मौका मिला और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे 3 दिन बाद। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाइक दिख रहा है लाइक कर दो, और हाँ कमेंट करके मुझे अपने व्यूज बताओ, मैं और मेरी टीम दोनों उन कमेंट्स को पढ़ती है, और कुछ भी आपका फीडबैक है मुझे देना, वो मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो कमेंट ज़रूर करना, और आज के लिए बस इतना ही। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।